हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी प्रॉब्लम है हैकर एंग से, जिसका नाम है आइसक्रीम पार्लर। ओके, तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए साथ साथ पढ़ते हैं इसे। दो दोस्त हैं, ओके, वो अपने पैसे इकट्ठे करते हैं और एक आइसक्रीम पार्लर जाते हैं। ओके, वो दोनों हमेशा अलग अलग फ्लेवर चूज करते हैं, डिस्टिंक्ट फ्लेवर दे रखा है ना, अलग अलग फ्लेवर चूज करते हैं और अपनी सारी मनी वो आइसक्रीम पे उड़ा देते हैं। ओके, हमें डिफरेंट आइसक्रीम के फ्लेवर्स की कॉस्ट का एरे दे रखा है यहाँ पे, और उनके टोटल मनी जो उन दोनों के पास मिलाकर है वो दे रखी है एम। अच्छा, इनमें से हमें दो फ्लेवर चूज करने हैं जिनका प्राइस मिलाकर उनके पास जो पैसे हैं उसके इक्वल हो जाए। ओके, उस प्राइस के इंडेक्स की वैल्यूज हमें रिटर्न कर देनी है यूजिंग वन बेस्ड इंडेक्सिंग। वन बेस्ड इंडेक्सिंग का मतलब है कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, द एरे विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले मैंने एक रिजल्ट एरे डिक्लेयर किया, क्यों? क्योंकि हमारा रिटर्न में हमें एक एरे रिटर्न करना है। ओके, जब हमारा आउटपुट होगा वो एक इंटीजर एरे होगा। ठीक है, तो हम अपने इंडेक्सेस इस एरे के अंदर सेव करेंगे और फिर उसे रिटर्न कर देंगे लास्ट में। तो देखो, इसमें नेस्टेड लूप्स यूज होंगी। वो क्यों यूज होगी वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होना चाहिए आई का। ओके, देखो हम पहले इस इंडेक्स पे होंगे। ठीक है, ये हमारा आई लूप होगा। ठीक है, आई एथ जीरो एलिमेंट है। अब देखो, जे हमारा आई प्लस वन, तो नेक्स्ट एलिमेंट यहां से स्टार्ट होगा। जे जाएगा एंड तक। ठीक है, हम इन सारी वैल्यूज को जो आईएथ एलिमेंट है ऐड करेंगे उसके साथ, और इन दोनों का सम जो है हमारे एम के इक्वल है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो ये होगा इफ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे इक्वल टू एम। तो देखो रिटर्न रिजल्ट एरे में हम पुश कर देंगे। देखो वन बेस्ड इंडेक्सिंग है तो आई प्लस वन पुश करेंगे और जे प्लस वन पुश करेंगे। ओके, ऐसा करने के बाद हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। ठीक है, तो एक बार मैं रन करके देखता हूँ कोड। तो सैंपल टेस्ट केस तो पास हो गए, अब मैं आपको यहाँ पे कोड समझाता हूँ। ठीक है, हमारा एरे है यहाँ पे सपोज 1 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो लूप स्टार्ट हुई, आई जीरो है, जीरो एलिमेंट यहाँ पर क्या है हमारा 1। ठीक है, और जे हमारा भी 1 है, आई प्लस 1 है जे, तो आई जीरो है तो जे 1 हो गया। और एरे ऑफ जे मतलब एरे ऑफ 1 क्या है हमारा 3, हमारा एम है 6। अब देखो क्या 1 + 3 क्या है 4, 4 क्या इक्वल है 6 के? नहीं है, तो हमारा कुछ नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे, लेकिन सिर्फ जे ही बढ़ेगा क्योंकि अभी जे जा रहा है एरे ऑफ लेंथ तक। ठीक है, अब जे की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, हमने चेक किया क्या 1 + 4, ठीक है, जो कि हो गया 5, 6 नहीं, इक्वल नहीं है दोनों, तो फिर दोबारा हमने पुश नहीं किया। अब हम नेक्स्ट पे आए तो वो हो गया 1 + 5। ठीक है, 1 + 5 6 के बराबर है। हाँ, तो हमने क्या पुश कर दिया आई की वैल्यू, आई की वैल्यू थी 0 + 1 हमने इसमें डाल दी, मतलब आई 1 हो गया। और जे हमारा था 0 1 2 3, 3 था, 3 + 1 4 हमने डाल दिया। देखो ये आ गया हमारा आंसर, रिटर्न कर दिया हमने इसको। अब सबमिट करके देखते हैं। देखो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और सोल्यूशन भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, बाय बाय।